कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है चड्डी बड़ी का सीजन 2 आ रहा है, तो आप लोग कितने एक्साइटेड है? तो आ रहा है ना, तो सीजन 1 का हिस्सा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सीजन 1 में बहुत अमेजिंग था, मैं बहुत खुश हूँ मेरी फॉलोइंग सीजन 1 पर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2. अभी से अप्रोच किया गया है कि आप लोगों को ये सीजन में जाने के लिए? मुझे तो पहले बुलाया था बेचारे ने, लेकिन मेरे साथ कोई दोस्त जाने को तैयार नहीं था, मतलब मेरे दोस्त सब है बट दे डोंट वांट टू कम एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग, सो आई रिस्पेक्ट दैट व्हिच इज ओपन. आप बिग बॉस को कितना फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे? मैं इस बार तो पूरा फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज सारा जा रहा है एंड पहले मैं इतना नहीं देख रही थी, लास्ट टाइम बोल इसके लिए फॉलो कर रहे थे एंड दिस टाइम बिग बॉस आ रहा है ना. हमारे गैंग में अभी पूरा 5 सबके सब बिग बॉस हो चुके हैं, हम सब 5 जो है लाइक 1 हैंड 5 फिंगर्स, हम सब 5 जो बिग बॉस कर चुके हैं. क्या कहना, बिग बॉस के घर में चाहत को काफी ज्यादा बुली कर रहे हैं लोग, उस पर क्या कहना? विवियन ने एक वो कमेंट किया था कि डायरेक्टर ने एक्शन बोला और कट करना भूल गया. अब सब अपना मजाक उड़ाएंगे, अपना अपना पॉइंट रखेंगे, मुद्दा रखेंगे, यू कांट से ऑल दिस थिंग्स, सो दे आर प्लेइंग वेरी फेयर गेम, एवरीबॉडी स्पीकिंग ऑन ईच अदर, सब एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, सब एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं. सो बिग बॉस के घर में ऐसा कौन है जो अभी तक खुल के नजर नहीं आया लोगों के सामने? उसकी पर्सनालिटी नहीं बोल रहे हो भाई? अच्छा, पक्का बग्गा जा बग्गा मुस्कान चुम और करण का तो भी कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं. हेमा शर्मा जी का एविक्शन भी क्या कहना है आपका? मेरे बर्थडे पे भी आई थी आई फील कि उसको जल्दी चली गई, उसको वाइट कार्ड में बुलाएंगे, बट वो जेल में थी तब तक ही उनका था, जेल से बाहर हुई उनका कुछ गेम ही नहीं था ऐसा हमें लगा था. आप लोगों को कैसा लगा था? आपको कोई कुछ भी बोलेगा आप रिएक्ट करते हो, आप उसके पर्सनालिटी पे बॉडी शेमिंग कर रहे हो, सब दिस इज नॉट राइट. आई एम विद करण, बॉडी शेमिंग, पर्सनालिटी शेमिंग, दैट्स नॉट राइट, एज शेमिंग नहीं रॉन्ग, मतलब आपके पास कुछ नहीं करने के लिए तो अभी आप ये मुद्दा उठा रहे हो, तो हमारे सीजन में भी हो रहा था बट आई थिंक इट्स नॉट राइट. बट कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जिस तरीके से विवियन को बोल रहे हैं घर का कलर्स का लाडला और बाकी को ऐसे भी मोटिवेट, क्योंकि आपको हेमा भी निकलने के बाद बोली कहीं ना कहीं मुझे इनसिक्योरिटी हो गई क्योंकि जब उनने कलर्स का लाडला बोला गया था. बट मैं एक बात बोलूँ, जो सर बोलते हैं सलमान सर 8 साल से चेस कर रहे थे विवियन को, तो ऑब्वियसली लाडला तो सारे कलर्स के लिए और कौन अच्छा खेलता उसके ऊपर डिपेंड करता. It makes a difference when you're being I love Sara and Abhi, not yeah. Gaming industry, still do stood out, apne liye khade hoke lad rahe, I love them. I'm very proud of them, not because she's my friend, but I love the way they are playing. Dono bahut acha, bahut acha bahut. Iske alawa ye cricket ki baat pe Salman sir kaafi sad the kyunki unhone apna example bhi diya ki mera man nahi tha yahan aane ka, fir bhi main aaya hu kyunki wo mera khata hai. Kya lagta hai ki jis tarike se jo cheeze wo face kar rahe very appreciate acts of two years and it shows professionalism ki udara show must go on. ye hamari industry ka hai ki chahe kuch bhi ho jaye aur wo uska sabse bada udaharan hai. so my heart for him, my prayers for him and everybody we love you Salman. इसके अलावा एक और जो दोस्ती कहते हैं हम आपको, जो दोस्ती इंस्टाग्राम पे लिख के आती है जिस तरीके से आप लोग रील्स बनाते इतना प्यार देते दोस्ती से याद आया, तो अगर आप लोगों को डिस्क्राइब करना हो क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे आए नहीं है, उनकी एक एक अनोइंग एक अनोइंग आदत क्या है? वी आर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल. हम जैसे भी है बहुत अच्छे हैं एंड वी लव ईच अदर. हमारी अच्छाई बुराई हमारे बीच में ही रहेगी, बाहर कभी नहीं. बाकी सब पॉडकास्ट को छोड़ के बाकी सब भी पॉडकास्ट है तो लाइक चड्डी बड़ी का क्या यूएसपी है? मैं एक पॉइंट बोलूंगी, मेरा फन में
कैश्मीरा का ये है पॉइंट कि अभी आज हम लोग कल यूरोप गए क्या, हम लोग पर्सनलिटी गए क्या, है ना, कल ऑलवेज एज अ प्लान उन्हें डॉक्टर गाइस कीप अस फ्री नेक्स्ट टाइम, ऐसा होना चाहिए ना, दैट इज वन थिंग।